ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। जैसे गाइस आपने देखा होगा थंबनेल में, मैंने आपको बताया। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लेना, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको बैकग्राउंड पेज दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड आप लोगों को जो है वीडियो में जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको एकदम सेम टू सेम देखना है एंड पहले उसके बाद समझना है, फिर जाके एडिटिंग करने जाना है। ठीक है, पहले आपको देख के समझ लेना है एंड देन उसके बाद एडिटिंग करना है। अब गाइस देखिए वीडियो को लाइक कर देना आपके ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को जो है स्टार्ट कर। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग जहाँ पे पोज देख लो गाइस मॉडल का, ठीक है, आप लोगों को भी जो है कुछ स्टेप्स अपनी फोटो को यहाँ पे क्लिक करवा लेना है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि फोटो जो है आप लोग क्लिक करवा के रख लेना पहले से। एंड उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे देख लेना मतलब किसका बैकग्राउंड वगैरह जो है यहाँ पे रिमूव कर लेना है यहाँ पे। एंड अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है और उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है पहले से ही, तो आप लोग जाकर देख लेना। एंड बाकी गाइस देखिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब देखिए गाइस यहाँ पे आप लोग करना क्या, गाइस देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड जो बिल्कुल HD में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। अब देखिए गाइस सबको करना है कि आप लोगों को जाना सिंपली ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है, जो मतलब मॉडल को जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव कर रखा होगा, ठीक है। एंड आपको मॉडल को जो है कुछ इस तरीके से रखना है कि मतलब हाइट जो है ना आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा जो अंदाज़ा लगा लेना है कि बाइक पर जब आप बैठोगे तो आपकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर मॉडल को रख लेता हूँ। और उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे इतना जाने के बाद जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह कर लेना, क्योंकि गाइस एंड जो एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेना है, क्योंकि गाइस क्या है कि जब अपनी फोटो को जब आप ऐड करोगे तो गाइस मतलब एकदम परफेक्ट मतलब कि रिटच वगैरह नहीं होगा उसमें। तो आप लोग जो पहले एडजस्टमेंट कर लेना अपनी फोटो के हिसाब से। तो यहाँ पे जो गाइस मेरी ये वाली जो फोटो है इसमें अलग एडजस्टमेंट है और आपकी में अलग होगी, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से करना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको कुछ मतलब कि क्या एक्सपोजर और क्या आपको सिचुएशन रखना है। ओके गाइस इतना जाने के बाद आप लोग करना है कि आप लोगों को सिंपली ऐड फोटो में चले जाना है एक बारी। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, ठीक है। इसको इसलिए ऐड करना है क्योंकि अभी हम जो इसे शेडो बनाएंगे, तो उसको आपको करना है कि आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है, उसका इसको मूव डाउन कर देना है, रिजल्ट में जाकर इसको जो है इन्वर्ट कर देना है आप सभी को। फिर आपको ब्रश लेना है, ब्रश के साथ अपने अकॉर्डिंग रख के आपको फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को टाइप से जो है पेंट करना है, मतलब कि ओपेसिटी और हार्डनेस भी कम कर लेना, ठीक है। एंड अगर नहीं भी करते तो बाद में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो इसमें शेडो क्रिएट कर लेते हैं। ओके गाइस तो यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग करना है कि आपको अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट बनाना है, इसको सेम साइज़ में रख देना है। आप इसको फिर से बाद चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर्स में चले जाना है। कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड वाइट लेना, ब्लैक एंड वाइट लेने के बाद उसका अमाउंट जीरो करके डन करना है। फिर रिजल्ट टूल में जाना है आप लोगों को एंड इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश लेना, ब्रश लेने के बाद साइज अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेना और ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है। एंड नीचे टायर के पास जो आप लोगों को जिस टाइप से पेंट करना ताकि जो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो जाए एंड जो है शेडो से मैच हो जाए, ठीक है। एंड इससे जो क्या है कि फोटो में एक रियलिस्टिक लुक आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग करना क्या है, आप लोग का जो इतना काम है यहाँ पे अभी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसको हम डन कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग अभी इसमें जो है थोड़े से और चेंजेस और करने हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा अभी कि आपको क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अभी फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको लेकर चलते हैं फिर लाइटरूम में, जो भी मतलब कि कलर करेक्शन होगी वो हम वहाँ पर करेंगे एंड इसको एकदम रियलिस्टिक बनाएंगे वहीं पर। यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लाइट में जाएंगे, पहले इसका कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड हाईलाइट्स को जो यहाँ पे कम कर देंगे एंड जो शेडो है इसको इनको बढ़ा देंगे एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देंगे, ठीक है। एंड वाइट को भी कम कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे पहले तो, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, ऑरेंज कलर को लेने के बाद यहाँ पे जो है ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे एंड जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, इतना रख लेंगे, ठीक है। एंड जो ल्यूमिनस आप उतना ही बढ़ाना जितना आपकी फोटो में मतलब कि जितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए हो अपनी फोटो अपने फेस के ऊपर, ठीक है, उतना बढ़ा देना। फिर येलो कलर में जाएंगे एंड इसके बाद जो इसका थोड़ा सा सैचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनस को कम कर देंगे ताकि जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाए। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर में जाएंगे, इसका जो ह्यू है हम थोड़ा सा प्लस के साइड में रखेंगे क्योंकि मैं फोटो जो है थोड़ी ग्रीनरी चाहिए, तो हम इसका ल्यूमिनस भी बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। एंड चलो जाने के बाद आप लोगों को जो है मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा और कम कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए ब्लू कलर में क्या है कि आप लोगों को ब्लू कलर का चाहिए होगा तो आप इसको जो है सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहिए तो इसको कम कर देना। तो यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कम कर दूँगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, अब जो है गाइस यहाँ तक देखिए इतना काम हमारा हो चुका है। तो अभी सिलेक्टिव टूल में जाएंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है लीनियर ग्रेनिट वाला जो ऑप्शन है इसको लेंगे हम। एंड गाइस इसको लेके क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है नीचे से जो है रोड के साइड में जितना मतलब जितना भी रोड का एरिया है उतने एरिया में हम इसको रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम सिंपली लाइट में जाएंगे, लाइट में जाने के बाद इसको पहले एक्सपोजर कम करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे, जो डेहेज जो वाला ऑप्शन है इसको हम कम कर देंगे, डिहेज वाला, ठीक है, इसको हमें रखना है ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए नीचे से।
एंड यहाँ पे इतना जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक्सपोजर और शेडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज माइनस की तरफ रख लेते हैं, और यहाँ पे इतना हो चुका है हमारा, ब्लैक्स को भी कम कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे इतना जाने के बाद इसको हम यहाँ से डन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना डन करते हैं, फिर उसका चलेंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, इफेक्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें, फिर फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड फोटो में जो विगनेट है अपनी फोटो के ओर डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि 22% एंड उसके बाद इस फीदर को इंक्रीज़ कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड फाइनली हमारी फोटो जो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है गाइस। तो आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।